नमस्ते, मैं राजविंदर। मुझे 17 इयर्स तक ओसीडी और डिप्रेशन था, जो मैं अभी कंट्रोल कर चुका हूँ, और मैं अपने वीडियोस के थ्रू दूसरों की हेल्प करना चाहता हूँ। ये जो वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे कि ओसीडी पेशेंट्स को ओसीडी के अलावा और कौन सी डिसीज होती है। उसे कहते हैं कोमॉर्बिडिटी, बेसिकली दो या दो से अधिक जो डिसीज होना। तो ओसीडी के साथ ज़्यादातर डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, पीटीएसडी, आईबीएस और स्किन पुलिंग, हेयर पुलिंग, ये सारी बीमारियाँ होती है। हम एक एक करके उन बीमारियों के बारे में अभी समझेंगे। जो 90% जो पेशेंट्स होते हैं, उनको ओसीडी के अलावा और कोई बीमारियाँ भी होती है। तो अगर आप ओसीडी पेशेंट हैं, तो काफ़ी चांसेस है कि आपको और भी इनमें से जो मैं बीमारी कहूँगा, वो आपको हो सकती है। सबसे पहले डिप्रेशन जो है, मूड डिसऑर्डर्स। तो डिप्रेशन, फॉर एग्जाम्पल, बेसिकली सैड फील करना, डिप्रेशन में बाइपोलर डिप्रेशन हो सकता है। उसके बाद फिर दूसरे तरह के भी मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, वो भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल डिप्रेशन बेसिकली सैडनेस की फीलिंग काफ़ी टाइम तक जो होना, वो ओसीडी के साथ हो सकती है। डिप्रेस्ड लोग, ओसीडी पेशेंट्स फील कर सकते हैं। सेकंड इज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। एंग्जाइटी डिसऑर्डर में बेसिकली एंग्जाइटी फील करना, जैसे जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर की अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में आप एंग्जाइटी फील करते हो, उसमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर में सोशल एंग्जाइटी, सेपरेशन एंग्जाइटी, ये सब भी आता है। फोबिया, पैनिक डिसऑर्डर भी इंक्लूड होता है। ओसीडी जो है, वो फोबिया से काफ़ी मिलता जुलता है कि आपको एक चीज़ से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है और आप कंपल्शन करने लगते हो। तो कई लोगों को लगता है कि मुझे फोबिया है, या उस चीज़ पे, उस आपके जो इंट्रूसिव थॉट्स से आपको फोबिया, उससे फोबिया भी हो सकता है। तो ये भी काफ़ी रिलेटेड है। उसके बाद ओसीडी पेशेंट्स को पीटीएसडी, पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी हो सकता है। पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बेसिकली एक कोई एक घटना हुई, एक बहुत ही दुखद घटना, एक बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ आपके साथ, और वो इंसिडेंट के बाद आपको काफ़ी एंग्जाइटी होने लगी उस इंसिडेंट से रिलेटेड, और बार बार वो इंसिडेंट के जो फ्लैशबैक्स, बार बार वही बातें, जो इंसिडेंट हो चुका है वही बातें आपको अगर आ रही है, तो वो पीटीएसडी हो सकता है। ओसीडी पेशेंट्स में पीटीएसडी देखा गया है एज कोमॉर्बिडिटी। उसके बाद फिर ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, बुलीमिया, एनोरेक्सिया। बेसिकली जैसे एनोरेक्सिया होता है कि जो पेशेंट है, वो उसको लगता है कि मैं चाहे कितना भी पतला हो कि वो मैं मोटा हूँ, और वो खाना ही छोड़ देते हैं। वो जो खाते हैं उसको उल्टी कर देते हैं उसे खा के। तो एनोरेक्सिया, बुलीमिया जो बीमारी है, वो भी ओसीडी पेशेंट्स में पाई गई है। उसके बाद स्किन पुलिंग, या हेयर पुलिंग, स्किन स्क्रैचिंग, जो लोग अपने स्किन को स्क्रैच करते रहते हैं या स्किन को पुल करते रहते हैं, फिर हेयर अपने बालों को खींचते रहते हैं, अपने हर जगह के बालों को खींचते रहते हैं, वो भी ओसीडी पेशेंट्स में ये पाया गया है। उसके बाद बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर, BDD। ये बेसिकली, इसमें क्या होता है कि पेशेंट्स चाहे कितने भी सुंदर हो या चाहे कितने भी हैंडसम हो, उनको लगता है कि नहीं, मैं अच्छा नहीं हूँ। वो बार बार मिरर में अपने आप को देखते रहेंगे और बोलेंगे कि नहीं यार, ये मेरा चिन अच्छा नहीं है, मेरी आँख एक आँख से छोटी है। तो वो बॉडी को, वो उनको लगेगा कि उनकी बॉडी अच्छी है ही नहीं, वो अपनी बॉडी से हेट करने लगेंगे। तो ये बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर भी ओसीडी पेशेंट्स में पाया गया है। अगर मैं डिप्रेशन की बात करूं, तो डिप्रेशन सबसे ज़्यादा जो डिसीज़ है, जो सबसे ज़्यादा ओसीडी पेशेंट्स में पाई जाती है ओसीडी के अलावा, तो 60-70% जो पेशेंट्स हैं ओसीडी के, उनको डिप्रेशन होता है कम से कम एक बार तो होता ही है उनके लाइफ टाइम में। और 21-30% जो ओसीडी पेशेंट्स हैं, उनको जो डिप्रेशन का जो एपिसोड है, वो काफ़ी लंबा चलता है। उसके बाद टूरेट सिंड्रोम है, टिक डिसऑर्डर। टिक डिसऑर्डर बेसिकली क्या होता है कि आपको एक रेपिटेटिव मूवमेंट होती रहती है, जैसे आपका हाथ हिलता रहेगा, या आपके मतलब बॉडी का कोई पार्ट है, बार बार आपको रेपिटेशन, रेपिटेटिव मूवमेंट होता रहेगा। तो टूरेट सिंड्रोम भी ओसीडी पेशेंट्स में हो सकता है।
जो ओसीडी है वो एक एंजाइटी डिसऑर्डर के ही परिवार का बेसिकली पहले उसे माना जाता था, अभी तो ओसीडी को अलग ही डिसीज मानी जाती है, बट ओसीडी में भी जो मेन इशू है वो एंजाइटी है। तो जो एंजाइटी के भी जो डिसीजेस है, जो एंजाइटी के भी डिसऑर्डर्स है, जैसे सेपरेशन एंजाइटी हो गई, सोशल एंजाइटी हो गई, फोबिया हो गए, वो भी काफ़ी प्रिवेलेंट है, वो भी काफ़ी ओसीडी पेशेंट्स को ओसीडी के अलावा होते हैं। तो ये हो गई कौन कौन सी बीमारियां जो ओसीडी पेशेंट्स को होती है ओसीडी के साथ। तो अगर आप कोई ऐसी कोई भी बीमारी आपको लग रहा है कि ये लिस्ट सुन के कि आपको ये बीमारी हो सकती है, तो प्लीज़ आप अपने थेरेपिस्ट या डॉक्टर के पास जाइए। और अगर आप कुछ और जानकारी चाहते हैं तो आप ऑनलाइन और नेट पे सर्च करिए। मैंने जितनी भी ये जानकारी दी है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के गवर्नमेंट की ही हेल्थ एजेंसी है, तो उन्हीं के वेबसाइट से ये मैंने जानकारी सारी ली है। तो ये सारी जानकारी आप इस पे बिलीव कर सकते हैं। तो आपको ओसीडी है तो आप ओसीडी जो है वो मेडिसिन जैसे एसएसआरआई वगैरह आप ले सकते हैं। आप मेडिसिन्स के बारे में और मेरे जो वीडियो है जो मैंने बनाया है मेडिसिन्स पे वो देख सकते हैं, उसका मैं लिंक डाल दूंगा। बट मेडिसिन्स के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थेरेपीज भी करें। ईआरपी थेरेपी और एक्ट थेरेपी जो है, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन एंड एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी जो है वो सबसे कारगर है ओसीडी को ठीक करने के लिए। इन दोनों पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप मेरे चैनल पे जाके ये वीडियोस दोनों देख सकते हैं। इन दोनों से ओसीडी को पक्का से राहत मिलती है ओसीडी से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझसे बेझिझक होकर आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। एंड कीप फाइटिंग।